हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कम्युनिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। मैं आपको डेली एक वीडियो हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग है जो कि हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, और उसके अलावा चार वीडियो आपको जो है फोर क्वेश्चंस के मिले। होप सो आप जो है प्रीवियस वीडियोस देख चुके होंगे। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है? व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस टेक प्लेस। क्वेश्चन हमें क्या कहता है समझना है। जब कम्युनिकेशन की जा रही है एजुकेशनल पर्पस के लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, शिक्षा के रिगार्डिंग हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, द सिक्वेंस ऑफ एलिमेंट इज, तो क्या सिक्वेंस रहेगी एलिमेंट्स की? ये हमारे पांच एलिमेंट दिए गए हैं और नीचे ऑप्शन आपको चूज करना है। सीक्वेंस पूछी है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, सेकंड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरीके से आपको सीक्वेंस पूछी गई है। तो अब जैसे हम मानते हैं कि आपको एक ये पांच ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये पता है कि फीडबैक सबसे लास्ट आएगा, आपको ये चीज पता है, आपके माइंड में है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो ऑप्शन फीडबैक है, जिसमें सबसे लास्ट ऑप्शन में फीडबैक ऑप्शन करेक्ट किया गया, आप उसको चूज करें। तो हमारे जो दो ये हैं, इनमें दोनों में क्या है, फीडबैक ऑप्शन सबसे लास्ट में है। तो अब दो हैं तो इन दो ही ऑप्शन को हम देखेंगे। ये जो दो ऑप्शन है हमारे टोटली गलत हो चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट ऑप्शन हमारा फीडबैक होता है। जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, यहाँ पे एनकोडिंग होती है पहले, फिर चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है, फिर डिकोडिंग होती है, फिर फीडबैक होता है। सबसे लास्ट क्या है हमारा, फीडबैक है। अब आपको ये पता है सबसे लास्ट क्या रहेगा, फीडबैक रहेगा। उससे पहले वाला आपको पता है कि डिकोडर है, डिकोडर। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, इस तरीके से दिए गए हैं, लास्ट वाले दोनों ऑप्शन ही सेम है। फिर उसके बाद आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या आया है, चैनल भी आया हुआ है, तो चैनल आ जाएगा अगर हम उल्टी तरफ से सॉल्व करें। फिर उसके बाद हमारे चैनल के बाद क्या है, पहले एनकोड है, एनकोडर, और सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोर्स आ जाएगी कि कहाँ से मैसेज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो सेंडर होता है वो सोर्स ही तो होता है ना, जहाँ से मैसेज की शुरुआत हुई। सोर्स क्या है, कहाँ से आइडिया आया, सोर्स हम किसे कह रहे हैं, कहाँ से आइडिया हमारा आया है, आइडिया जो मैसेज सेंड करने का है वो कहाँ से हमें मिला है, तो वो हमारा सोर्स यानी कि सेंडर। सेंडर क्या सेंड करना चाह रहा है, सोर्स क्या है उसका, ये हमारा जो टोटली एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। और इसके अंदर आपको यही चूज करना था कि एक सीक्वेंस बताएं कि कम्युनिकेशन जब भी आप एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो क्या एक हमारा प्रोसेस रहेगा। तो ये हमारा जो है ऑप्शन सही रहेगा कि फिफ्थ पे मतलब फर्स्ट नंबर पे सोर्स आएगा, सेकंड नंबर पे हमारा एनकोडर होगा, थर्ड नंबर पे हमारा चैनल होगा, फोर्थ पे डिकोडर, एंड फिफ्थ पे फीडबैक। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।